लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ताकीजावा रैन को पीछे से गले लगा लेता है और उसे बेड पर चलने के लिए कहता है। यहाँ से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब ताकीजावा और रैन एक दूसरे के साथ पहली बार इंटीमेट होने वाले थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। रैन ताकीजावा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तुम ज़रूर अपना फर्स्ट टाइम उस लड़की के साथ करना चाहते होंगे ना जिसे तुम पसंद करते हो। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है एंड थैंक यू सो मच मेरा फर्स्ट बनने के लिए। क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? ताकीजावा उसे किस करने के लिए हाँ कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद साथ में इंटीमेट होते हैं। हालांकि ताकीजावा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपना फर्स्ट टाइम हमेशा से रैन को ही बनाना चाहता था, पर इस तरह एक चीप से होटल में नहीं, इस तरह छुपते छुपाते हुए नहीं, जैसे कि वो कोई गलत काम कर रहे हों। यही सब सोचते सोचते ताकीजावा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। रैन उसे देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। रैन उसे हक कर लेता है। ताकीजावा तो किसी और वजह से रो रहा था, पर रैन को लगता है कि ये सब कुछ करके उसे गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए वो रो रहा है। और उस दिन वो लास्ट मिले थे। ताकीजावा को निमोनिया हो गया था, उसका फीवर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद जब वो ठीक हुआ और बाहर आया तो रैन से कभी भी उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया। फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म हो जाता है। ताकीजावा और रैन एक दूसरे की बाहों में थे। ताकीजावा रैन को गले लगाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रैन, इस पूरे वक्त तक मैं तुम्हें मिस करता आया हूँ। रैन उसे सिर्फ हक करता है और कुछ नहीं कहता। जब सुबह होती है तो रैन की आँखें खुलती हैं। वो देखता है कि ताकीजावा बेड पर नहीं था। तभी कुछ टाइम बाद ताकीजावा अपने हाथ में कुछ ग्रॉसरीज का सामान ले आ रहा था। वो रैन से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी किचन यूज़ कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बना देता हूँ। और तभी वो उसे आइसक्रीम देता है क्योंकि रैन को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ताकीजावा अचानक रैन से पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि रात को क्या हुआ था? रैन कहता है, हाँ मुझे याद है। ताकीजावा कहता है, और 10 साल पहले जो हमारे बीच हुआ था, क्या तुम्हें वो सब कुछ भी याद है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ रैन, मैं टोक्यो वापस आया था क्योंकि इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता, रैन उससे कहता है, ताकीजावा जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के बीच होता है। हम दोनों बिल्कुल उसी तरह हैं, हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं। अगर तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा है तो हम अपने प्राइवेट अफेयर्स को साइड में रखेंगे और इसी तरह फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम कोई गे तो हो नहीं, तुम एक वुमेन के साथ ही रिलेशनशिप रखना चाहोगे, इसलिए रात को जो भी कुछ हुआ उसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ही समझो। ताकीजावा एक सेकंड के लिए शांत रह जाता है, पर वो रैन से कहता है, ठीक है, मैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह समय बीतता चला गया था। मिड समर का टाइम आ गया था। रैन और ताकीजावा के बीच में सब कुछ पहले जैसा ही था। वो दोनों ऑफिस में बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते थे जैसे वो एम्प्लॉयज़ हों और कलीग्स हों, और डेली रात को उनकी नाइट एक्टिविटी होती थी। ऑलमोस्ट डेली ही वो दोनों साथ में सेक्स करते थे। उन्होंने कुछ रूल्स भी बना लिए थे, इंटीमेट होते वक्त वो लोग लाइट्स ऑन नहीं करेंगे, और कभी भी रैन इंटीमेट होते वक्त ताकीजावा को अपना फेस नहीं दिखाएगा और ना ही अपनी आवाज़ उसे सुनने देगा। और इंटीमेट होने के तुरंत बाद ही ताकीजावा अपने घर चला जाएगा। वो रैन के साथ रात को कभी नहीं रुकता था। ऑफिस में रैन ताकीजावा के साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव करता था जैसे उन दोनों के बीच कुछ भी ना हो, वो दोनों नॉर्मल फ्रेंड्स ही हों। एक दिन ऑफिस में वो दोनों ओजी नाम के एक एम्प्लॉय से मिलते हैं जो पहले ऑफिस में काम करता था पर उसने अब छोड़ दिया था। ओजी रैन से अकेले में बात करने के लिए कहता है। ताकीजावा वहाँ से चला जाता है। ओजी रैन से ताकीजावा के बारे में कहता है कि लड़का HR डिपार्टमेंट में है ना, बात करने से तो लगता है ये काफ़ी एजुकेटेड और शार्प माइंडेड है। इस लड़के का एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है और ऐसे लड़कों से तो सन्नाटा नफरत करता है ना, तो फिर अभी तक ये लड़का ऑफिस में क्या कर रहा है? मैं ये तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपनी पूरी कोशिश करना कि ये लड़का सन्नाटा का टारगेट ना बन जाए। तभी रैन कहता है, क्या आपने कंपनी सन्नाटा की वजह से ही छोड़ी थी? क्या आपके और चीफ सन्नाटा के बीच कुछ ऐसा हुआ था? ओजी उससे कहता है, तुम इस कंपनी के एक ग्रेट डिजाइनर हो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर किसी दिन तुम और सन्नाटा पानी में डूब रहे हो तो बॉस तुम दोनों में से पहले किसको बचाएंगे? रैन कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि बॉस किसी को भी बचाएंगे, वो तो पहले अपने बारे में सोचेंगे।
वो इस तरीके के नहीं है कि खुद को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दें। ओजी कहता है, पर ऐसा हो चुका है, जैसा कि तुम सस्पेक्ट कर रहे हो। मैंने कंपनी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं सनाडा से एक कॉन्फ्लिक्ट में हार गया था। एक बहस हुई थी हम दोनों के बीच। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था, पर याद रखना कि प्रेसिडेंट हमेशा उसका साथ ही देंगे। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया, पर तुम अभी इस कंपनी में हो और मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। रैन कहता है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे चीफ सनाडा को इस कंपनी से बाहर निकलवाया जा सके? आप ऐसा कंपनी के लिए कर रहे हैं या सनाडा के लिए जो आपकी नफरत है उस वजह से ऐसा कह रहे हैं? ऊची कहता है, मैं इस बात से बहुत इरिटेटेड हूँ कि वो अब तक इस कंपनी में है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। रैन जब बाहर आता है तो वो देखता है ताकीज़ावा अभी भी बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। रैन उससे कहता है, आई एम सॉरी तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ा। ताकीज़ावा कहता है, कोई बात नहीं, पर वो तुमसे क्या बातें कर रहे थे? रैन कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी कैजुअल कन्वर्सेशन थी। उसके बाद वो दोनों सीधा ताकीज़ावा के घर निकल जाते हैं। साथ में इंटीमेट होने के बाद ताकीज़ावा रैन से पूछता है, क्या तुम कुछ पीने के लिए लेना चाहोगे? रैन कहता है, हाँ बिल्कुल। ताकीज़ावा उसके लिए कुछ पीने के लिए ला ही रहा होता है। रैन उसकी नेकेड बॉडी को देखकर कहता है, क्या तुम कभी किसी स्पोर्ट्स में थे क्या? ताकीज़ावा कहता है, मैं अमेरिकन फुटबॉल खेला करता था जब मैं स्कूल में था। अचानक ताकीज़ावा उससे पूछता है, क्या तुम साथ में शावर लेना चाहोगे? ताकीज़ावा उसे खींच कर ले जाने लगता है तो रैन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अचानक रैन का फ़ोन बजने लगता है। वो उसकी ऑफिस एम्प्लॉय का कॉल था। वो उसे एक्टर फुरोया के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। ये वही एक्टर था जो उनकी एडवर्टाइजमेंट में काम करने वाला था। एक्टर फुरायो एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया था और उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि शायद उसने ड्रग्स लिए हैं। उसकी इमेज खराब हो चुकी थी तो अब उसके साथ काम करना थोड़ा रिस्की हो चुका था। अगले दिन बॉस इसी बारे में बात कर रहे थे। बॉस कहता है, एक्टर फुरायो हमारे कमर्शियल में था पर अब हम उसे नहीं ले सकते, पर वो कमर्शियल नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में ही रिलीज होने वाला है तो हमें जल्दी से जल्दी सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर मैं अपनी क्रिएटिव टीम की ओपिनियन लेना चाहूँगा। तभी उस टीम में से एक एम्प्लॉय कहता है, ये सीरीज ऑलरेडी पूरी रेडी हो चुकी है, अगर हम अब एक्टर्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं है और इतना बजट भी नहीं है। तभी रैन कहता है, मेरे पास एक ऑप्शन है, हम उस पर्सन को यूज़ नहीं कर सकते पर हम उस फुटेज को तो यूज़ कर सकते हैं ना। हम फुटेज में थोड़ी एडिटिंग करेंगे और वही हम अपने क्लाइंट को भेज देंगे जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। बॉस कहता है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? रैन कहता है, हाँ मैं उस फुटेज को क्रिएट करूँगा। उसके बाद रैन उस फुटेज की क्रिएशन में ही लग जाता है। पूरा दिन हो गया था, ना ही उसने ताकीज़ावा की तरफ देखा था, ना कुछ खाया पिया था। ताकीज़ावा को उसकी परवाह हो रही थी। एक फीमेल एम्प्लॉय भी ताकीज़ावा के पास आकर कहती है, मुझे तो रैन की बहुत परवाह हो रही है, उसे शुरुआत से सब कुछ करना होगा क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि वो कर लेगा। रात हो चुकी थी, ऑफिस के सारे एम्प्लॉय जा चुके थे पर रैन अभी भी वहाँ था। ताकीज़ावा भी उसके साथ ही रुक जाता है। रैन इतनी बुरी तरह थक गया था कि वो सो गया था। रैन उसके लैपटॉप की तरफ देखता है, तभी ताकीज़ावा की आँख खुलती हैं। रैन उससे पूछता है, तुम अभी भी काम कर रहे हो? क्या मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? रैन उसे हाँ कर देता है। ताकीज़ावा वहीं बैठ गया था और उसकी नज़रें केवल रैन की तरफ ही थी। रैन बहुत बुरी तरह थका हुआ लग रहा था। अगले दिन फाइनली रैन उस फुटेज को कंप्लीट कर लेता है। बॉस उसे उसके काम के लिए थैंक्स भी कहते हैं। उस रात जब वो दोनों घर जाते हैं, रैन चैन की सांस लेते हुए कहता है, फाइनली सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। ताकीज़ावा उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेराता है। उसे भी रियलाइजेशन हो गया था कि रैन बहुत ज़्यादा थक गया है। उस रात वो वहाँ से जाने लगता है पर तभी रैन उसका हाथ पकड़ लेता है। रैन उसे कस के गले लगा लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं करना चाहता हूँ। और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 भी रिलीज होते ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना BL ड्रामा लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।